नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास सेगमेंट में, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं और ये सीरीज चल रही थी मगध की उत्कर्ष, उसी में हम जो है इसका एक अगला चैप्टर, जिसमें मगध के उत्कर्ष के समय जो वंशज प्रमुख वंशज थे उसके बारे में पढ़ने से पहले एक वंशज के बारे में पढ़ेंगे, बृहद्रथ। उसके बाद फिर हर्यक वंश से हम इस वंश का कारवां को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। साथियों, ये बृहद्रथ वंश जो था इस वंश का यदि इतिहास की बात करें तो इस वंश का महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से मिलती है, इस वंश बृहद्रथ वंश का। साथियों, बृहद्रथ वंश का इतिहास में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते हैं। इस वंश के जानकारी का स्रोत जो है मुख्य रूप से धर्म ग्रंथ और महाकाव्य है। जिसमें हम बात करें तो धर्म ग्रंथ में हमारे पास चार वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद। उसके अनुसार भी हम जानेंगे इस वंश के कहानी के बारे में। या दो महाकाव्य हैं हमारे पास, रामायण और महाभारत, उसके अनुसार भी इस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जानकारी का स्रोत जो है यही दो मुख्य रूप है, धर्मग्रंथ और महाकाव्य। इतिहास में इसका कोई प्रमाणिक ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। साथियों, हम बात करें ऋग्वेद के अनुसार, हम बात करें तो एक क्षेत्र का जिक्र आता है, कीकट क्षेत्र, जो जिसकी पहचान मगध के रूप में ही की गई, कीकट क्षेत्र का। साथियों, कीकट क्षेत्र की यदि हम बात करें वर्तमान में कि उस क्षेत्र का कौन कौन सा जगह है, तो हम बात करते हैं आधुनिक रूप में पटना जिला, गया जिला, रोहतास और शाहाबाद, आरा का क्षेत्र मुख्य रूप से कीकट प्रदेश के क्षेत्र में आते थे और मगध साम्राज्य के क्षेत्र में भी आते थे। इसके बाद हम बात करें कीकट प्रदेश का उस समय का जो तत्कालिक शासक था, उसका नाम था प्रेमानंद। ये परीक्षा में पूछ सकता है, प्रेमानंद था जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना भी किया था, प्रेमानंद। उसके बाद मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ग्रंथ की बात करें तो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में हमें सर्वप्रथम जो है मगध साम्राज्य का सबसे मतलब सर्वप्रथम जो है मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। साथियों, महाकाव्य से हम चलें तो महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने मगध की स्थापना किया, जो वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। यदि हम महाकाव्य के अनुसार बात करें तो मगध बृहद्रथ ने
मगध की स्थापना किया था। महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने मगध की स्थापना किया जो वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। वहीं हम रामायण के अनुसार चलें तो वसु ने मगध की राजधानी, वसु जो बृहद्रथ का पिता था, इसने मगध की राजधानी गिरिब्रिज बनाई थी जिसे वसुमती भी कहा जाता था और राजगीर के भी नाम से जानते थे, राजगृह के नाम से जानते। आज जो है काफ़ी प्रचलित नाम राजगीर है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी बिहार का हिस्टोरिकल प्लेस है, इंडिया स्तर पे ये काफ़ी विकसित मतलब क्षेत्र है पर्यटन के हिसाब से भी। तो साथियों, वसु ने मगध की राजधानी गिरिब्रिज बनाई और इसे वसुमती भी कहा जाता है। साथियों, यदि महाभारत के अनुसार हम बात करें तो ये जो जरासंध था महाभारत काल में, ये काफ़ी शक्तिशाली योद्धा था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने कर दिया। भीम ने इसे मल युद्ध में इसे मार डाला। किदवंती है कि उसे दो टुकड़ा में फाड़ दिया था भीम के द्वारा, लेकिन इसका मरने का राज सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पता था और कृष्ण के इशारे पर जरासंध ने इसका वध किया था। आज भी राजगीर में जरासंध का अखाड़ा विद्यमान है, लोग जरासंध के अखाड़े का दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद जो है बृहद्रथ वंश का जो है अंतिम शासक था जिसका नाम था निपुंज। इसी वंश के एक सैन्य अधिकारी पुलिक था जिसने निपुंज का वध कर दिया, जिसका नाम था पुलिक। पुलिक जब निपुंज को वध कर दिया तो यहाँ से बृहद्रथ वंश की समाप्त कर दिया। और बृहद्रथ वंश को समाप्त करने के बाद पुलिक ने एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम था प्रद्योत वंश। प्रद्योत वंश जो था, जैसा पुलिक ने निपुंज के साथ किया सेम कंडीशन प्रद्योत वंश इसी के मंत्री भट्टिये ने पुलिक की हत्या कर दी। पुलिक को हत्या करके इस वंश को ही, प्रद्योत वंश को ही समाप्त कर दिया। और भट्टिये ने क्या किया, इसने अपने पुत्र जिसका नाम बिंबिसार था, इसे मगध के साम्राज्य पे बैठाया, मगध की गद्दी पर बैठाया और एक नए वंश का जन्म दिया जिसका नाम था हर्यक वंश। इस प्रकार बृहद्रथ वंश की समाप्ति हुई और उसके बीच प्रद्योत वंश और इसके बाद हर्यक वंश का हर्यक वंश का शासनकाल आया जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। साथियों, यदि हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो बृहद्रथ वंश के बाद एक वंश आता है प्रद्योत वंश, उसके बाद हर्यक वंश। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। और ये परीक्षा के ख्यालात से, अभी वर्तमान में BSSC के एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है, BPSC में भी पूछा जा सकता है। कैसा लगा वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।